get it. This may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside two huts, which suggests that depending on the weather, people could look food either indoors or outdoors. उन्होंने ऐसे pits find किए कि जब भी ठंडी की ठंड हो, ठंडी की मौसम हो, तब वो लोग जो है वो pit में जाकर खाना बना सकते हैं. और when it is not cold, that is hot, तो उस time पे वो लोग बाहर आकर के भी खाना बना सकते हैं. आपके पास इसमें एक्सरसाइज फॉर्म ढूंढ निकाली थी. Stone tools have been found in many sites as well. Yes. So, as we see in previous chapter that they were found in the stone tools, जो कि पत्थर से मिले होंगे, उस tools भी उन्होंने काफी जगहों से मिले थे, काफी sites से मिले थे. Many of these are different from the earlier pathology. Yes, pathology. Paleolithic tools yani ki kareeban 20 years, it is about before 20 lakhs before years before, to us time pe jo mile the tools, that is called, yes, paleolithic tools. This include tools that were polished to give fine cutting edge. Yes, to unko mile the wo fine polished mile the unke jo edges the. Yes, जो ये किनारी थी उसको अच्छे से पॉलिश किया गया था, अच्छे से उनको शार्प किया गया था. एंड वाटर्स एंड पेस्टल यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट्स प्रोड्यूस. यस, वाटर्स एंड पेस्टल यानी कि जो ग्रेन्स है, सिंपल लैंग्वेज में उसको बोले तो चक्की जो होती है, जो कि इस टाइम में भी उसमें पत्थर से बनी होती है, टू स्टोन से बनी होती है, कई कई दिनों में उसको आज भी यूज किया जाता है. सो दैट काइंड ऑफ मॉडर्न एंड वेस्टर्न आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे. यस, सेवरल थाउजेंड इयर्स लेटर एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड. एंड रिमेंबर सम टूल्स वर आल्सो मेड ऑफ बोन. यस, सो जो स्टोन के टूल्स तो उनको मिले ही थे, लेकिन कुछ जो टूल्स थे वो बोन्स के भी बने हुए थे, वो भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिले थे. मेनी काइंड्स ऑफ अर्थन बोन्स हैव आल्सो बीन फाउंड. दीज वर सम टाइम्स डेकोरेट एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स. पीपल बिगन यूजिंग बोन्स फॉर कुकिंग फूड. यस, सो अर्थन बोन्स ऐसे मिट्टी के जो बोन्स बने थे उसको वो भी इनको मिले थे, तो उनको क्या होगा, तो उनका यूज करते थे स्टोरिंग करने के लिए, मे बी वाटर और मे बी ग्रेन्स. दे वर यूज फॉर स्टोरिंग, राइट. एंड यस, इट वॉज डेकोरेटेड, अच्छी सी पेंटिंग बनाई हुई थी उस पर, तो इट वॉज डेकोरेटेड विद अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. एंड यस, दे वर ऑल्सो यूजिंग बोन्स फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रीन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल दैट नाउ बिकम अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट. यस, अभी के टाइम में ये डाइट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेंटिल यानी जो मसूर की दाल होती है वो. बिसाइड्स दे बिगन वीविंग क्लोथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन. यस, और उसके अलावा उन्होंने क्या करना शुरू किया था, विविंग क्लोथ्स को बनाना भी शुरू किया था, विच वॉज मेड फ्रॉम द कॉटन, जो कॉटन थे. तो इससे ये भी हमको पता चलता है कि ये अगर उन्होंने कॉटन से क्लोथ्स को वेव करना शुरू कर दिया था उन्होंने, तो कॉटन उगाना तो उन्होंने पहले से ही स्टार्ट कर दिया होगा, तभी कॉटन मिलेगा और कॉटन में से ही उनको कपड़े में ना कपड़े बुनना उन्होंने शुरू किया. Did things change everywhere at end all at once? So ये जो सारी चीजें थी इसकी वजह से सभी जगहों पर चेंज आया था, कि कई कई जगहों पर चेंज आया था, कि उस टाइम पे जितने भी गैदरर्स थे तो सारे लोगों ने इस चीज को अपना लिया था कि ऐसे कुकिंग फूड को कुक करेंगे, ऐसे
की ऐसे हाउसेस के अंदर मिले थे जो कि
यहाँ पे हमें फोर कंपार्टमेंट्स ऑलरेडी देखने को मिलते हैं. सम ऑफ व्हिच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज. सो उसमें से कुछ कंपार्टमेंट को एज ए स्टोर स्टोरेज बिन को यूज किया जाता होगा मेरे ख्याल. व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम. और उस टाइम पे जो कोई भी मर जाता था तो उनके रिलेटिव्स उनके फ्रेंड्स उनके फैमिली they were respecting them. How they are respecting? People look after them perhaps in the belief that there is a some form of life after death. तो उन लोगों को भी लगता होगा, उन लोगों को ऐसा लगता था कि death के बाद भी कोई life है. उनका उन लोगों का ऐसा मानना था. बुरियल is one such a arrangement. बुरियल यानी कि खुदाई करना किसी कुछ के नीचे Several burial sites have been found at Mehrgarh. तो Mehrgarh में ऐसी burial sites भी मिली थी. As you can see here, ये burial sites हैं. कंकाल को देखने को मिल रहे हैं. So ये सारे के सारे जमीन के अंदर से मिले हैं. In one instance, the dead person who buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. तो कई के बाद जो उस टाइम के जो लोग जो थे मर जाते थे तो उसको जमीन के नीचे ऐसे ढक दिया जाता था. तो साथ में गोट्स भी रखी जाती थी क्योंकि उनका ऐसा बिलीफ था, उनका ऐसा मानना था कि आफ्टर डेथ भी कोई लाइफ है. और अगर एक लाइफ है तो फिर जो इंसान है उसको फूड की अरेंजमेंट तो चाहिए होगी. तो जब भी उनको फूड चाहिए होगा तो एक गोट से वो लोग ले लेंगे. ऐसा मान के गोट को भी अपने साथ ही रखते थे. नाउ सेकंड वन इज अ क्लोजर लुक दाऊजी हेडिंग. दाऊजी हेडिंग दिस इज अ साइट इन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र वैली. यस ये कहाँ पे है तो ये कहाँ पे जगह है तो ब्रह्मपुत्र वैली है. इसके बाजू में close to roots beginning to China and Myanmar. Here stone tools including yes models and face tools. So yeah maybe jo archaeologists say they found yes stone tools including models and face tools. Yani jo greens ko jo greens ki jo piece ne wali jo chakki hoti hai wo